नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको पूरी जानकारी दूंगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की जानकारी आपको देता रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम टॉप 7 कोर्स के बारे में और उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे BASLP। तो अगर आप लोग BASLP करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकेंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर प्लस टू क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों का प्लस टू क्लियर है तो आप लोग यहाँ से BASLP कर सकेंगे बिल्कुल आसानी से। इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत ही सिंपल है कोर्स। अगर आप लोग PhD करना चाहते हैं, यानी कि PhD के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है तो आप लोग यहां से PhD कर सकेंगे बिल्कुल आसानी से। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको बीटेक करनी चाहिए तो आप लोग यहां से बीटेक कर सकेंगे, लेकिन आपको बता दूं बीटेक के लिए यहां पर प्लस टू एलिजिबल होना चाहिए। और लेकिन ये आपको बता दूं, प्लस टू के लिए यहाँ पर कुछ कोर्स की डिमांडेड रखी गई है, यानी कि अगर आप लोग प्लस टू करते हैं तो इन सब्जेक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि PCM। अगर आप लोगों ने PCM ले रखा है तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ से कोर्स कर सकेंगे। बात करते हैं MBA की। अगर आप लोग MBA करना चाहते हैं तो MBA कर सकेंगे, लेकिन MBA के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन भी थी, यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन है उसके साथ उसमें 50% नंबर होने चाहिए, उसी के साथ साथ UPSC MBA यानी कि UPSC की एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जब ही आप MBA कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ से ये कोर्स नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं BA की। अगर आप लोग BA करना चाहते हैं तो BA कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके लिए सिंपल बात यह है कि आपको यहाँ पर प्लस टू क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों का प्लस टू क्लियर है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से BA कर सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बात करते हैं LLM यानी कि लॉ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से तो आप LLB कर सकेंगे। इसके लिए आपको जो LLM है करने के लिए LLB होना चाहिए। अगर आप लोगों ने LLB कर रखी है तो आप यहां से LLM कर सकेंगे बिल्कुल आसानी से। बहुत ही सिंपल कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप लोग यहां से कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं BEd की। अगर आप लोग BEd करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से BEd भी आपको एक कोर्स मिल जाता है, काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है टीचिंग लाइन में, आपको बता दूँ। और अगर आप लोग BEd करना ही चाहते हैं तो आपको लिए बता दूँ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग यहां से बिल्कुल आसानी से BEd कर सकेंगे, काफ़ी बेनिफिट वाला कोर्स मिल जाता है। तो जी हां दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको लगभग टॉप 7 कोर्स के बारे में जानकारी दे दी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे जाके पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आप चाहें तो वो पुरानी वीडियो हर यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगी। जो भी आपके आसपास आपको लगता है कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेनिफिट है, तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके की जानकारी आपको देता रहूँ। तो फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।